Dear students, today I shall teach you the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. You know Robert Frost? He was an American writer. This is a symbolic poem जहाँ road का मतलब है choice. इस poem में Robert Frost खुद speaker है. उन्होंने बताया कि एक दिन उनके साथ क्या हुआ था जब वो एक जंगल के सामने आके खड़ा हुआ था. तो लाइन वाइज इस पोएम को पढ़ते हैं. वो छोटा सा पोएम है और देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, राइटर क्या बोलना चाहते हैं. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. येलो कलर का एक जंगल के सामने एक रास्ता है जो अचानक दो हिस्से में बांट गया. यहाँ येलो इसका मतलब है ऑटम सीजन, क्योंकि ऑटम सीजन में पेड़ का जो पत्ता है वो येलो कलर का हो जाता है. तो येलो से यहाँ पे ऑटम सीजन को इंडिकेट किया जा रहा है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं दोनों ही रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकता था. तो यहाँ पे देखो दोनों रास्ता मतलब टू चॉइसेस. अगर तुम्हारे सामने दो चॉइस दिया जाए जिसमें से कोई एक को तुम्हें चुनना है तो एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा. जैसे आफ्टर क्लास 10 तुम्हें साइंस लेना पड़ेगा या नहीं तो आर्ट्स लेना पड़ेगा. लेकिन साइंस और आर्ट्स दोनों को लेकर तो नहीं चल सकते हो. तो राइटर दुखी है क्योंकि दो रास्ता है और दोनों में से कोई एक से उनको चलना है. एंड बी वन ट्रैवलर. और क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, अकेला आदमी हूँ, इसलिए मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता था. लॉन्ग आई स्टूड. वहाँ मैं लंबा समय तक खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन. और मैं एक रास्ता की ओर देखने लगा. वन मतलब यहाँ पे रोड. एज फार एज आई कुड. जहाँ तक हो सकता था उस रास्ता का वहाँ तक मैं देखने का प्रयास किया. टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. और एक समय वो रास्ता झाड़ियों के नीचे जाके एक जगह पर बेंड हो गया, मतलब मुड़ गया. अंडरग्रोथ मतलब यहाँ पे बुश. अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसके बगल में उसका मीनिंग दिया हुआ है ताकि ये पॉइंट तुम और भी आसानी से समझ जाओ. तो राइटर पैराग्राफ नंबर 1 में ये बोल रहा है कि एक दिन मैं एक पीले कलर का जंगल के सामने आके खड़ा हुआ. मेरा रास्ता दो हिस्से में बांट गया था. मैं लंबा समय तक वहाँ पर खड़ा था ये सोचते सोचते कि कौन सा रोड से मुझे चलना चाहिए. और मैं अकेला इंसान था जिसके कारण मुझे कोई एक ही रोड पर चलना था. और मैं एक रास्ता की ओर देखा जो कुछ दूर तक जाके कुछ झाड़ियों के नीचे वो बेंड हो गए एक साइड. नाउ लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 2. देन टूक द अदर. अदर मतलब यहाँ पे अदर रोड. इसके बाद मैं दूसरा रोड को चुना. जस्ट एज फेयर. फेयर मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल. जो रास्ता रोड नंबर 1 जैसा ही फेयर था, मतलब ब्यूटीफुल था. तो दो रास्ता है, दो में से उन्होंने सेकंड वाला को चुना और पहला वाला जो रास्ता है उसको उन्होंने छोड़ दिया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. क्लेम मीन्स यहाँ पे डिमांड. क्योंकि ये जो सेकंड वाला रास्ता है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव था. वो ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि नहीं तुम मेरे ऊपर से चलो. क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी. क्योंकि ये रास्ता ज़्यादा घास से भरा हुआ था. एंड वॉन्टेड वर. वॉन्टेड वर मीन्स लेस ट्रेवल्ड. मतलब इस रास्ते पे बहुत कम लोग आना जाना किया था इसके कारण ये रास्ता ज़्यादा ग्रासी था, ज़्यादा हरा था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had owned them really about the same. जहाँ तक इन दोनों के प्रयोग का प्रश्न था तो दोनों सड़कों को लगभग एक समान ही प्रयोग किया गया था. इस दो लाइन में राइटर कहना चाहते हैं कि लोग तो कोई एक ही रास्ता को चुना था लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड जो रास्ता है वो देखने में बहुत खराब था और लोग उसको जानबूझ के छोड़ दिया था. एक्चुअली दोनों रास्ता ही सुंदर था लेकिन आदमी को तो कोई एक ही रास्ते पे चलना है
जिसके कारण उन्होंने एक रास्ते पर चला और एक रास्ता को छोड़ दिया। तो सेकंड स्टैंजे में राइटर बोल रहे कि मैंने दूसरा जो रास्ता था उसको चुना, क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा हरा भरा था, उस रास्ते से लोग बहुत कम आना जाना किया था, और बाकी लोग जो मुझसे पहले आना जाना किया था वो पहला नंबर रास्ते को चुना था। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड वाला जो रास्ता है वो खराब था उनके उनके लिए। नाउ लेट अस गो टू पैराग्राफ नंबर 3। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और उस दिन सुबह दोनों ही रास्ता पत्तों से ढकी पड़ी थी और किसी के कदमों के कारण इस पर पड़े पत्ते काले नहीं हुए थे। क्यों? ना सुबह का मैटर है, सुबह है जिसके कारण लोग बहुत कम आना जाना किया था और जो पत्ता है वो काला नहीं हुआ था, क्योंकि पत्ते के ऊपर से अगर कोई पैर रख कर चलेगा तो ज़रूर वो काला हो जाएगा। ओके, ट्रोडन मतलब वॉक ओवर, कुचल के चले जाना। ओ आई कीप्ड द फास्ट फॉर अनदर डे। फर्स्ट नंबर जो रोड है मैं उसको छोड़ दिया ये सोच के कि दूसरा दिन मैं इस पर चलूँगा। तो यहाँ पे देखो चॉइस है, हम लोग भी जब कुछ चूज़ करते हैं, अगर एक चूज़ कर लेते हैं तो सोचते हैं कि नहीं ये जो मैंने छोड़ दिया बाद में कभी इसको भी चूज़ करूँगा नेक्स्ट टाइम। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मुझे पता था कि कैसे रास्ता दूसरे रास्ते के साथ मिल जाते हैं। मतलब राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि रास्ता हमेशा दूसरे रास्ते के साथ मिलते हैं, तो हो सकता है कि मैं कभी वापस ना आऊँ। आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। मेरे अंदर प्रश्न था कि मैं क्या कभी फिर वापस आ पाऊँगा इस जगह पर। अब सपोज तुम 11 में साइंस ले लिया, ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हो, और उस समय तुम्हें लगा कि नहीं मुझे अब आर्ट्स लेना चाहिए, तो क्या संभव होगा फिर से आके तुम आर्ट्स लोगे? होगा, लेकिन बहुत देर हो जाएगा और उम्मीद है कि हम लोग कोई ऐसा नहीं करेंगे। तो राइटर खुद वो डाउटफुल है कि आज जो मैं सेकंड रोड पे जा रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट कभी और एक दिन वापस आके फर्स्ट रोड में चलूँगा वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। नाउ लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 4। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समहर एजेस एंड एजेस हेंस। आई शैल बी टेलिंग दिस, दिस मतलब यहाँ पे इस घटना को मैं बताऊँगा विथ ए साई, मतलब बहुत खुश होके भी हो सकता है या थोड़ा निराश होके भी हो सकता है कि मैं इस घटना को बताऊँगा समहर कहीं ना कहीं। एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस मतलब आज से बहुत दिन के बाद, मतलब आज से बहुत सालों के बाद शायद मैं किसी ना किसी को इस घटना के बारे में बताऊँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, क्या घटना कि जंगल के सामने एक रास्ता दो हिस्सों में बांट गया था। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं उस दोनों में से उस रास्ता को चुना था जहाँ से लोग बहुत कम आना जाना किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस निर्णय के कारण आज मेरे ज़िंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना सारा चेंजेस है या परिवर्तन है। अब देखो ये जो चेंजेस है राइटर के लाइफ में वो चेंजेस अच्छा है या खराब की ओर है राइटर ये नहीं बताया, तो यही बोल रहा है कि राइटर कि मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था क्योंकि मैं बाकी लोगों से थोड़ा हट के थोड़ा अलग टाइप का निर्णय लिया था और जिसके कारण मेरे लाइफ में ये डिफरेंसेस है। नाउ यू कैन सी देयर आर 5 क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स।